प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन संसद क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा वृत्त चल रहा था किरण, जिसमें से हम अध्ययन कर रहे थे काव्य वृत्त का, उसका लास्ट नियम रह गया था जो आज हम अध्ययन करेंगे। लास्ट नियम है चुरादिगत धातुओं के साथ चुरादिगण धातुओं के साथ ए लगाकर, ए लगाकर चुरादिगण धातुओं के साथ ए लगाकर तप्यत कृत का, तप्यत कृत का तव्य जोड़ा जाता है। तव्य कृत का तव्य जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है चुरादिगण धातुओं में तव्य कृत का तव्य जोड़ा जाता है। आप ए लगा रहे हैं, जैसे देखिएगा कष्ट धातु है, उदाहरणों से सबसे पहले है आपका कफ प्लस तव्य, कफ प्लस तव्य। कफ जो धातु है वो चुरादिगण धातु है। कफ में देखिएगा के थे, इस थे में आपको ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? पहले थे, ए जोड़ोगे तो बन जाएगा के, है पूरा हो जाएगा ये। उसके बाद में तप्यत कृत का आपको तप्य जोड़ देना है। तप्यत का क्या जोड़ना है? तप्य, तप्यत का जोड़ना है तप्य। और देखिए ये में हलंत लगा हुआ है, ये में क्या लगा हुआ है? हलंत। तो ये कैसी धातु हो गई? हलंत धातु हो गई। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ई की मात्रा जोड़ देंगे। किसकी मात्रा जोड़ देंगे? ई की मात्रा। तो नियम बन गया चुरादिगण धातु के साथ धातु में ई, धातु में इट का आगमन भी होता है। धातु में इट का आगमन भी होता है, इट का आगमन भी होता है। होता है बीच में क्या रह जाएगा? इट, इट का अर्थ हो गया ई की मात्रा। किसकी मात्रा? ई की मात्रा। कथे ई और था, ठीक है। तो जैसा के थे और ये में ई की मात्रा जोड़े हुए कथी, और तब में क्या शेष रह जाता है? तब में बन गया कथे तब। क्या बन गया? कथे तब। लिखेंगे हम कथी तब हो गया, जैसा लगा दोगे तो पुल्लिंग का बन जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा कथी तव्य। कथी तव्य दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है चुर, चुर धातु, चुर प्लस तव्य, चुर प्लस तव्य। अब देखिए उपधा में उ की मात्रा आ रही है, इसको बोलोगे चुर धातु को, जब आप बोलोगे तो देखो चे, चे में है आपका उ, चे उ ले, चे उ ले। उपधा में उ आ रहा है, उपधा में क्या आ रहा है?
इस पे आप विशेष ध्यान दोगे
अनियत कर्त, अनियत कर्त सबसे पहले है इसमें, पहला अनियत कर्त का प्रयोग, अनियत कर्त का प्रयोग, अनियत कर्त का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है, अनियत कर्त का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है, चाहिए अर्थ में किया जाता है, किया जाता है, अनियत कर्त का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है, अनियत कर्त का, अनियत कर्त का पुल्लिंग में अनियत कर्त का पुल्लिंग में अन्य पुल्लिंग में अन्य स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में अन्य तथा नपुंसकलिंग में तथा नपुंसक लिंग में अनियम शेष रहता है, अनियम शेष रहता है, शेष रहता है। तीसरा है अनियम कर्त से बनने वाले शब्दों के रूप, अनियत कर्त से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। तीसरा था इसका अनियत कर्त से, अनियत कर्त से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, पुल्लिंग में राम के समान स्त्रीलिंग में रमा के समान स्त्रीलिंग में रमा के समान, रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में, तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं। फल के समान चलते हैं नियम से बढ़ते हैं। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक अलिया जो करते हैं वो पिदर करते हैं और जो पिदर करते होते हैं वो धातु के साथ में जुड़ते हैं। तो नियम नंबर एक अकारांत धातु के साथ,
के साथ अनियंत्रित का अनियंत्रित प्रतिभा बोलिंग में अन्य है बोलिंग में अन्य है स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में अनिया स्त्रीलिंग में अनिया तथा नपुंसक लिंग में तथा नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में अनियम शेष रहता है अनियम जुड़ता है अनियम जुड़ता है अकारांत धातुओं के साथ अन्य प्रतिका पुल्लिंग में अन्य स्त्रीलिंग में अन्य तथा नपुंसक लिंग में अनियम जुड़ता है तथा दीर्घ संधि होती है तथा दीर्घ संधि होती है दीर्घ संधि होती है दीर्घ संधि होती है देखिए उदाहरण उदाहरण नंबर एक पा प्लस अनियर पा प्लस अनियर देखो पा अनियर में से क्या आ जाएगा अनिय तो पा पा को जब आप बोलोगे तो पे और आ यहां पे आ की मात्रा अब ये लोग कैसे जाते हो गई अकारांत अकारांत धातु हो गई और आ की बात नहीं यहां पे आ क्या रहा है ए आ रहा है आ की बात में क्या रहा है ए आ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा दोनों के आ ही होगा आ प्लस ए बराबर आ और क्या है यहां नी है नी है और जोड़ देंगे इसमें पे में आ की मात्रा स्थिति आपकी हो गई पे आ दोनों के साथ पे आ बन गया और नी जोड़ना है इसमें क्या जोड़ना है पुल्लिंग बनाओगे तो नहीं है स्त्रीलिंग बनाओगे तो आ की मात्रा लगानी है नपुंसक लिंग बना तो मैं जोड़ना है तो शब्द हो गया आपका पानी है ये तो पुल्लिंग शब्द होना पानी है पानिया 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 ये स्त्रीलिंग पानियम दूसरा उदाहरण लेते हैं दा प्लस अनियम दूसरा उदाहरण है दा प्लस अनियम दा प्लस अनियम दा नहीं है दानिया दानियम तीसरा उदाहरण है इस्था इस्था प्लस अनियर इस्था प्लस अनियर स्थानीय 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 स्थानियम स्थानियम चौथा है इसना इसना प्लस अनियर इसना प्लस अनियर इसना नहीं है इसना नहीं
स्नानियम। पांचवा उदाहरण है ग्रह प्लस अनियर, ग्रह प्लस अनियर ग्राणी है, ग्राणी है ग्राणियम, ग्राणियम। ग्राणी है ग्राणिया ग्राणियम। एक बार पुनः देखें, पा प्लस अनियर पानी है, पानिया पानियम, पुल्लिंग में पानी है, स्त्रीलिंग में पानिया, नपुंसकलिंग में पानियम। दा प्लस अनियर दानी है, दानिया दानियम। तीसरा है स्था प्लस अनियर स्थानीय, स्थानिया स्थानियम। स्ना प्लस अनियर स्नानीय, स्नानिया स्नानियम। ग्रा प्लस अनियर ग्राणी है, ग्राणिया ग्राणियम। देखो यहाँ पे ने का अने कैसे हो गया, ने का अने हो गया, इसमें दे आ रहा है, क्या रहा है दे, जब धातु में, जब धातु में रे, क्या रे से रे ऋषि, त्रे त्रिशूल, छह क्षत्रिय, इनमें से कोई सा भी अक्षर आ जाता है, इनमें से कोई सा भी अक्षर आ जाता है तो ने के स्थान पर अने हो जाता है। इस ने के स्थान में क्या हो जाता है, अने हो जाता है। इसलिए यहां ने के स्थान में क्या हो गया था, अने हो गया था, क्या हो गया था, अने हो गया था। नियम नंबर दो, ये था हमारे